Hello students, today we will discuss graphics and animation in computer class. Graphics kya hota hai? Ye sketching dikh rahi hai cartoon ki, Doraemon ki. Ye hai graphics. Aise kisi bhi cartoon ki sketching ya drawing aur uske andar coloring karna, wo kya hoga? Graphics. Next pic mein Doraemon hans raha hai, hands move kar raha hai. इसका मतलब उसमें एनिमेशन डाल दिया है, जान डाल दिया है. जैसे कि हम टीवी में देखते हैं कि डोरेमोन चल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, हंस रहा होता है, इसका मतलब हमने उसमें एनिमेशन डाला है. और पीछे से साउंड देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डोरेमोन बोल रहा है. ओके, तो किसी भी कार्टून की स्केचिंग करना, उसमें कलर करना आता है ग्राफिक्स में, और उसके अंदर जो मूवमेंट आती है उसे वो आता है एनिमेशन से. ये काम हम करते हैं एक कंप्यूटर में. कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालेंगे, डोरेमोन डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसमें एनिमेशन डाल देंगे. तो ये काम जो हम कर रहे हैं, पहले समझ लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है. नेक्स्ट स्लाइड. ये है हमारा मॉनिटर, ये है हमारा सीपीयू, ये कीबोर्ड और ये माउस. कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं. यहाँ पे हम आपको अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, ए बी सी डी 1 2 3 4. आपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा. कीबोर्ड से हम जो भी प्रेस करते हैं वो मॉनिटर पे दिखाई देता है. कीबोर्ड में से केबल जा रही है जो सिग्नल दे रही है सीपीयू को, और सीपीयू कनेक्ट है मॉनिटर से. ऐसे ही माउस कनेक्ट है सीपीयू से और सीपीयू कनेक्ट है मॉनिटर से. ओके, जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट बटन दबाओगे तो सिग्नल जाएगा सीपीयू में और सीपीयू से सिग्नल जाएगा मॉनिटर में. ऐसे ही कीबोर्ड से आपने ए प्रेस किया, सिग्नल गया कीबोर्ड से सीपीयू में और सीपीयू से दिखाई देगा मॉनिटर पे. अब सीपीयू क्या है? सीपीयू जैसे कि ह्यूमन में ब्रेन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू. सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखनी है. इसे समझ लीजिए एक बार. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचना को स्टोर करके, जैसे कि आप कंप्यूटर लैब में गए, आपने एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग ड्रॉ की, उसमें आपने ट्रीज बनाई, ठीक है. तो अब आपने ये अपनी पेंटिंग सेव कर दी कंप्यूटर लैब में, अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपने बनाई थी. एक वीक के बाद आपने फिर कंप्यूटर लैब में गए और फिर आपने वही पेंटिंग खोली. आपको वही पेंटिंग वहाँ मिल जाएगी क्योंकि आपने अपनी इमेज पेंटिंग सेव कर दी थी कंप्यूटर में. उसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है उसकी मैनिपुलेशन में हमारी मदद करता है. आप एक हफ्ते बाद वो पेंटिंग दोबारा खोल रहे हो और आपने अब उसमें क्या किया है? माउंटेन्स बना दिए. मतलब वो पुराने वाली इमेज को आपने मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया. ओके, और ये थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करता है. अब हम इसमें देखो, कीबोर्ड से वन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ रहा है. ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो ब्रश उस पर हमें डिस्प्ले होकर दिखा रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे. जो हम क्लिक करते हैं वही दिखाता है स्क्रीन पे. तो इसका मतलब ये है कि हमारे आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करता है. ये डेफिनेशन समझ में आ गई. अब आपको ये डेफिनेशन अपने नोटबुक में भी लिखनी है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. जिन क्या होता है? हमारी सारी विशेष पूरी करता है. ऐसे ही कंप्यूटर क्या है? एक हमारे लिए जिन है जो हमारी सारी विशेष पूरी करता है. जैसे कि बैंकिंग. अब आप घर बैठे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो. बैंक जाते हो तो बैंक वालों के पास भी कंप्यूटर होता है, तो वो उससे क्या करते हैं? एक बैंक से दूसरे बैंक में ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप हॉस्टल में रहते हो, अपने पेरेंट्स से आप बात करना चाहते हो तो वीडियो कॉलिंग कर सकते हो. व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बहुत आसान हो गई है.
जैसे कि एक और सॉफ्टवेयर है स्काइप, SKYPE, इसकी हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। स्काइप मैं आपको लिख के दे देती हूँ, एक सेकेंड। SKYPE आप ये सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ये भी इसकी हेल्प से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। ओके नेक्स्ट, ओ सॉरी, नेक्स्ट हमारा है रेलवे टिकट रिजर्वेशन। पहले क्या करते थे हम, रेलवे स्टेशन पर जाते थे, लाइंस में लगते थे, टिकट बुक कराते थे, फिर ट्रेन की वेट करते थे, ट्रेन आएगी फिर बैठेंगे। तो हम अब ऐसा क्या नहीं है, आप ऑनलाइन देख सकते हो ट्रेन जल्दी है लेट है, और उसके बाद आप अपनी देख के ऑनलाइन आप टिकट बुक करवा सकते हो, रेलवे रिजर्वेशन करा सकते हो। इसकी एक साइट है, वो भी मैं आपको लिख के दे देती हूँ, NTSC, ये सर्च करिएगा। दोबारा लिख देती हूँ, NTSE। ओके ये अपना आप गूगल पे डालो, ये रेलवे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी कि ट्रेन कौन सी जल्दी है लेट है, ट्रेन को ट्रैक करना, इस टाइम ट्रेन कहाँ पर है, ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो ट्रेन की वेट करने में। ओके और आप बुकिंग भी आप इजीली करा सकें, बुकिंग आप पहले भी करा सकते हैं, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और ट्रैकिंग आप करते रहें जब आपको स्टेशन जाना हो, उससे पहले आप ट्रैकिंग करते रहें। नेक्स्ट चैटिंग, चैटिंग तो सब जानते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, और भी बहुत सारे तो आजकल ऐप्स आई हुई हैं चैटिंग की, तो चैटिंग तो बच्चे जानते ही हैं सब। आर्ट एंड डिज़ाइन, ये साथ सामने जो ये जिन बना हुआ है, जिन ये किस में बना है, आर्ट एंड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि मैंने पीछे डोरेमोन दिखाया था, वो भी आर्ट एंड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर आते हैं, आप इजीली उसमें आप बना सकते हैं डोरेमोन, और उसके अंदर मूवमेंट लाना, डिज़ाइनिंग करना। नेक्स्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आप जाते हैं अपना, आपको वहाँ पे टेस्ट कराना है मे बी लैब में, तो आप अपनी रिपोर्ट घर पर बैठे देख सकते हैं। वो आपको आपका आईडी पासवर्ड देते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आईडी डालो, पासवर्ड डालो, और आप अपना रिपोर्ट घर बैठे देख सकते हैं। या अगर आप जा नहीं सकते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं घर बैठे। नेक्स्ट स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कोरोना टाइम पे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और स्कूल के ऑफिस में भी जो मेल्स करने होते हैं, तो स्कूल के ऑफिस में और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। डेस्कटॉप मतलब ऐसा कंप्यूटर जो मेज के ऊपर रखा जाए, लैपटॉप मतलब ऐसा कंप्यूटर जो आप सोफे पर, बेड पे लेकर भी बैठ सकते हो, पाम टॉप जो आपकी हथेली के ऊपर आ जाए, पाम मतलब हथेली, लैप मतलब टांग के ऊपर या आपकी गोदी में, डेस्क मतलब मेज के ऊपर। और पाम टॉप के एग्जांपल हैं जैसे कि टैब, टैब आपके हाथों में आ जाता है, मोबाइल फ़ोन वो आपके हाथों में आ जाता है। तो ये 3 टाइप के कंप्यूटर हो गए, या पहले पढ़ चुके हैं, बस इतना ही, थैंक्स।